हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज के ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड रोमांचक होने वाला है, इसलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते चलिए, ठीक है, और इसी से ब्लॉग को एंजॉय करिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो भाई को पसंद आ गई लड़की, देख सकते हो आप पीछे वाली। तो क्या नाचो तीनों नाचो ना अब्बा भी कर कर क्या हुआ तुमने बात तो नहीं करी यार, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अरे भाई आपसे थोड़ा दो बार बात करनी है, बात कर सकते हैं कोई दिक्कत ना हो तो। क्या काम? काम कुछ नहीं, नहीं है फिलहाल। क्या बोला तूने? लेकिन आपसे बात करनी है, कर सकते हैं, बस एक मिनट बात करनी है। तो करना गजब बेइज्जती है। भाई को रिजेक्ट करके चला गया, कह रहा थैंक यू हमें नहीं करना कोई भी वर्ग का काम नाम है ना, तो हाथ में आगे बंदे से चला गया, कह रहा मेरे को कोई काम नहीं करना, डिजिटल फिजिकल तुम ही करो, तुम्हारा काम तुम ही को मुबारक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कोई बात नहीं, नेक्स्ट वन। शाबाश बेटा, तीनों लड़कियों ने अब्बा भी कर कर दिया। नो यानी कि नेक्स्ट वन, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो देखो मित्रों बात कुछ ऐसी है, अभी हम प्रोस्पेक्टिंग करें और प्रोस्पेक्टिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, उसके बाद बाकी का प्रोसेस जो है ईजिली निपट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग में जो मज़ा है ना भाई, वो और कहीं नहीं लगता मेरे को फिलहाल, और फिजिकल खासकर भाई का ना, खासकर थोड़ा फिजिकल अगर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा हर तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। चार लोग आपको रिजेक्ट करते हैं तो रिएक्शन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो वो आपको सिखाता है, रिजेक्शन राइट। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अरे पार्टी और मंडली का हाल चाल? बढ़िया, बस बढ़िया, तुम्हारी दुआओं में जी रहे हैं जिंदगी। हमें पता था आज तुम ऐसा निकलोगे इसलिए हम इसे रास्ते पे आगे बैठ गए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। यहाँ पे जो है क्या बोलते ना अप्सराएं आसपास होते रहती है तो मजा आता है, अच्छा लगता है। जा रहे हो क्या? कुछ गर्लफ्रेंड बुला रही है, कहाँ जा रहे हो? हाँ यार वही जाना है बस, बड़े हरामी हो बेटा। अच्छा चलो फिर मिलते हैं भाई, है ना? ओके। तो भाई रैंडमली हमारे मित्र से मुलाकात हो गई आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं भाई से ट्रेन में मिला था जब मैं भोपाल से इंदौर आ रहा था, तो भाई हमने ट्रेन में मिल गए थे, वो ट्रेन में हमारी मित्रता हुई, तो आज हमें भाई मिल गए रोड पर अचानक से होलकर कॉलेज पर। तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पर बिछड़े हुए लोग दोबारा मिलने की 90% संभावना रहती है। ऐसे तो नहीं होता है बस आप आके बैठ जाओ एक बार, है ना, आपसे हर रोज नए लोग मुलाकात करेंगे, साथ में पुराने लोग भी मुलाकात। क्या बोला तूने? और भाई हेलो, भाग गया तू जरा, हेलो हेलो, अरे गजब बेइज्जती है। सुन नहीं रहा तू ही तो सुन ले यार, कोई नहीं सुन रहा तो। A few moments later मेरे को बताओ, देखो जो जापान के लोग को देखा नहीं लेकिन सुना तो होगा, जापान जापान के लोग होते हैं वो केला तो खाते होंगे, तो केला खाते वो छिलके का क्या करते हैं पता है? फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। क्या है जाते हो? क्या बोला तूने? अरे भाई जापान के लोग केले के छिलके को खाते नहीं है बल्कि पापड़ी बना लेते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने देखा था वीडियो। ओ भाई ये क्या है?
A few moments later. अरे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ यूट्यूब पर, आपसे क्वेश्चन करना है, मतलब आंसर ही नहीं दे रहे यार। कह रहा मैं नहीं दे रहा आंसर, आंसर बाहर में जाओ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? भाई तो करते हैं भाई, दो मिनट रुकोगे जरा? हेलो, मेरा नाम शरद पाल, बात कर सकते हैं? आपका नाम क्या है? अमलेश। आपका? जीवन। वैसे मैं यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करता हूँ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पता चल रहा है, तो आपसे क्वेश्चन करना था। आप जो वीडियो कॉल नहीं करेगा ना, तो पता चल गया। समझ गया, आपसे सिंपल एक क्वेश्चन है, नॉर्मल इसका जवाब देना मेरे को। इस क्वेश्चन का ना 90% लोग प्रॉपरली सही जवाब नहीं दे पाते, एक बार आपसे देखते हैं क्या बात है। देखो मतलब सिंपल है ना, जापान के लोग होते हैं तो वो केला खाते हैं, तो केले के छिलके क्या करते हैं? अच्छा फेंक देते हैं, और आप क्या कह रहे हो? कुछ प्रोडक्ट बनाते होंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाते केले के छिलके का। सही में ऐसा ऐसा कैसे लगता है आपको? तो भाई इनको लगता है कि जापान के लोग जो है केले के छिलके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, भाई को लगता है जो है जापान लोग क्या करते हैं केले के छिलके खा लेते हैं। केला नहीं होता होगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हाय हाय, इतना सुकून। अरे भाई 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 एक मिनट, अरे रखो तो सुनो तो यार, आपसे कुछ बात करनी है। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कर लूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? नाम क्या आपका, नाम बताओ मेरे को। पीयूष। तो पीयूष देखो, मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ, इसका ना 90% लोग प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते, तो आप बताना। जैसे जापान के जो लोग होते हैं जो है केला अपन खा लेते हैं, वहाँ के लोग भी खाते होंगे, तो वो उसके छिलके का क्या करते हैं? केले के छिलके वो क्या करते हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं पता। A few moments later. इसी क्वेश्चन को हम किसी गर्ल्स से पूछते हैं, गर्ल्स क्या रिप्लाई देती है इस क्वेश्चन का? हेलो एक्सक्यूज मी, आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? गजब बेइज्जती है। तो गाइस अब लड़कियों ने जो है कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अरे भाई 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 भाई, हेलो मेरा नाम शरद पाल है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, वैसे आपसे कुछ क्वेश्चन करना, कर लूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं। तो भाई से हम क्वेश्चन करेंगे, भाई का नाम क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे अरे भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाय। महाकाल का 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।